आपकी बात आपकी पाकिस्तान को पहुँचा दी है, बता दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आपके पास वहाँ भी आके बात करें, यहाँ तक ये दूसरी चीज़ें हैं सी टी टी वगैरह की, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हुकूमत आपसे बात कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्ची जिसके लिए हम चल के आपके पास आ सकते हैं, जिस तरह आप कहें। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हुकूमत हल नहीं करना। तारुफ कराएं, आप सबसे बोलती हूँ, ठीक है ना। हम ये तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा ये, और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देखते हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं गौदबाना मेरी गुजारिश है, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और आई जी साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है हम बात करानी ही है, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे। अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार मुझे नहीं आप रखते, बताइए आपको इख्तियार के इजहार के लिए क्या चाहिए, बताइए फौरी तौर पे जो चीज हो सकती है वो बताएं। क्या फौरी तौर पर आप लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, कौन से लापता देखिए, आपने कहा आपने सबसे पहले ये बात की, ठीक है ना, ऐसे तरीके से और सही तरीके से बात करते हैं। आपने ये कहा कि हम सी टी टी के जो मुलजिम है, जो मुलविस है, उस मीटिंग में उस प्रोसेस के जरिए हम उसको भी कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अपराध है तो यहाँ मौजूद है, इसमें उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आए। बिल्कुल, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रोसेस को ही आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, कानून के प्रोसेस के जरिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। आपने इतने सालों से देखा नहीं है, मेरी बात पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे, उस दौरे हुकूमत के वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला साहब और वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सर ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। अगर वो कमेटी बहाल होती तो बाराज बरोज पत्थर नहीं, ठीक है ना। अगर वो कमेटी बहाल होती और राणा सनाउल्ला अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना, हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शीट में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं एक फेरिस्त फराम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा गया, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वर्करान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे काइंडली, ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के ज़रिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारंग यहाँ पे आकर ऐलान करेगी कि मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई ये कह भी नहीं रहा, ठीक है ना। वजह ये है, मैं आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है, हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को खत्म करे, हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर गिंजान को छुड़ा सके, ठीक है ना। कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता कि आपके जो मुश्किलात हैं, जो मसाले उनको हल कर सके,
लेकिन आप आए तो इस्लामाबाद में। जी हाँ, हम आए और हम आपसे फिर से यही बात कर रहे हैं जो गवर्नर साहब ने बात की। आप बेअख्तियार इस्लामाबाद के पास हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद इख्तियार रखिए। उम्मीद की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस की बात कर रही हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम किसी कमेटी किसी दीर्पा सूरत आल के ऊपर जो है ना नहीं जाएंगे। हमने धोखे बहुत खाए हैं। ये तहरीक जो है ना यहाँ पहुँची है, शायद आज मीडिया आई है, क्योंकि वो मसला ये था कि आप लोगों की खुद के माशाल्लाह से जो इंतजामिया है उन्होंने हमारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। उस शानदार इस्तकबाल की वजह से जो है ना फिर हमारे ऊपर झूठी बातें गढ़ी गई कि एक बंदा एक बंदी जो है ना गिरफ्तार है, ठीक है ना। ये कहा गया कि हम लोगों को जो है ना, लोग तो खुद अपनी मर्जी से जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये मानते हैं कि आपकी इंतजामिया ने औरतों पर तशद्दुद किया? आप पहले सबसे पहले उसकी माफ़ी मांगी, सबसे पहले माफ़ी मांगी, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपकी कमेटी ने जारी किए हमारे ऊपर कि हम लोग गिरफ्तार नहीं थे, हम लोग खुद जा रहे थे, बस किसी ने ये नहीं कहा कि गिरफ्तार नहीं। ये जितनी बच्चियां हैं ये रोशनी नहीं, अगर होती एक मिनट, मैंने अदालत में खुद कहा, मैंने नहीं कहा कि एक बंदा जो है मैं अदालत में गया ही नहीं। मैं अदालत में नहीं गया। आपको गलत, मेरी बात गवर्नर है, आप गवर्नर है, आप हमारे साथ आए, आपका जान नहीं, हम भी आपके साथ आए, हम भी आपके साथ ही आए। देखें आपकी ये जितनी बच्चियां हैं ये जिस दिन हवालात में थी हम भी तीनों लोग गए थे और हमने फौरी तौर पे हवालात खोल के इनको बाहर। मसला ये नहीं, आपने हवालात खोल के, मसला ये कि हवालात में डाला क्यों गलत है। मैं यही बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें कि गलत डाला। मैंने कहा औरतों पर तशद्दुद किया गया, मर्दों को मारा गया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत। मैंने उस दिन भी आपकी इन बच्चियों से कहा था कि अगर किसी ने तशद्दुद हो गया तो हम लोग कमेटी की तरफ से माजरत करते हैं। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो ठीक बात है वो जरूर मानी जाएगी। और अभी भी इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम हल तलाश करें, इसका इसलिए नहीं आए खाली कि आपको ये कहें कि जी यहाँ से आप उठ के चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठ के बात की जाए, लेकिन ये अगर बात तभी हल होगी अगर आप लोग ये समझेंगे कि कौन सी चीज अभी हो सकती है और किस चीज में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा बात ये है कि आप खुद ये कहती रही हैं, ये कई दिहाइयों के मसाइल हैं, कई दिहाइयों के मसाइल। आपने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा? जी पढ़ा, हमने पढ़ा है। सबसे पहला डिमांड हमारा क्या है? आपसे बहुत सारे डिमांड, पहला डिमांड आपके बहुत सारे डिमांड है। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। आपका पहला ये है कि सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, हमारा पहला डिमांड ये है कि यूएन की जो है ना कमेटी बनाई जाए, वर्किंग ग्रुप की, वो बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों के गैर जानबदाराना जो है ना रिपोर्ट पेश करे। मुनासिब नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर ये रियासत के अंदर मसला न हल हुआ तो फिर आपकी बात नहीं है। मेरा आपसे मसला हल नहीं हुआ है, और क्या फिर आप रियासत के पास ही तो आई है ना? अगर रियासत नहीं हल कर सकती बेटा तो आप यहाँ अक्वामे मुत्तहिदा में तो नहीं खड़ी। चलिए ठीक है, ये पहला डिमांड तो हो गया, आप आगे बढ़े। दूसरा डिमांड आपका सीटीडी को डिसआर्म करने का है। हमने आपको उस पर पहले कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल करना चाहिए। सी टी डी को तरीके तौर पर ऐसे नहीं होना चाहिए, नए अमल तय कर लेते हैं बैठ के कैसे आकर। आप ये भी तो देखिए कि बेशुमार ऐसे हादसा भी हो रहे हैं जिसमें 20-25 लोगों की जाने जा रहे हैं वहाँ पर, उसमें आकर उसके लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ना। वो भी नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए उस तरह किसी के साथ इस तरह भी इस तरह के हादसे जो सैकड़ों हो गए हैं वो भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने कभी भी इस चीज को कहा ही नहीं है, ठीक है कि होने चाहिए, लेकिन उनकी वजह से मासूम लोगों को मारना नहीं चाहिए। किसी के बदले में किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इसी तरह ज्यादतियाँ हो भी रही हैं। तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल करें, और हल करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें फौरी तौर पे हो सकती हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए, जिसमें कुछ वक्त दरकार है उसका कोई लाए अमल तय कर लिया जाए कि उसको कैसे करना। आप ये बताएं कि आज रात हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं, कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बात करना चाहिए, अगर आपस में मौका है, हुकूमत के सारे लोग आए हुए हैं। आज रात क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप बताइए, आप बताइए, आपके जहन में क्या, आपके जहन में कौन सी चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी प्रोवाइड करेंगे
जितनी भी मुमकिन है हमें 10 लोग कम से कम दे दें। जो चीज जैसे सर ने कहा कौन सी मुझे ये बताइए कौन से नाम हम सब की लिस्ट ले लेते हैं जो आपने कही कौन से 10 लोग कौन से जरूर बताएं आप जो है ना कौन से नहीं आप हमें ये बताएं कि हमारे जो मेन डिमांड्स है सीटीडी को सरकार का कोई डेथ स्क्वाड नहीं है सरकार का कोई डेथ देखें ये इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें फिर ये हो कि फलाबी फला चीज को सपोर्ट करे अगर मुकामी तौर पे कोई ऐसी चीज हो रही है नहीं होनी चाहिए सरकार क्यों अपने लोगों के खिलाफ किसी डेथ स्क्वाड को सपोर्ट करे आप कोई अलहदा लोग हैं मैंने साला साल आप तो अभी बच्ची है मैं आपके शायद पैदा होने से भी पहले ये चीजें जो है ना उधर जाके बैठ के बात कर लेंगे मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो अभी इमीडिएट मसाइल हैं उसको अभी हम आपको अभी रिटर्न शीट में अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं ठीक है ना आप जाएं उनसे डिस्कशन करें सही है और क्योंकि ये हमारी कमेटी है हम खुद जो है ना ये अख्तियार नहीं रखते हैं सही है हम अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे और हम मैं आपको फिर से बोल रही हूँ हम यहाँ आए हैं इसलिए ठीक है और बच्चे हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मसले को हल करें हम बगैर वजह के जाए हम देखें और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई उतरेगा या कोई ऐसी और मुज़ाकरात के प्रोसेस को दो तरफा मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ना आगे भी ऐसे जाता जाएगा ठीक है हमारे जो मेन मुतालबात है सीटीडी वाला और जो जितने लोग इस धरने में मौजूद है उनकी लवाइकी को रिहा करना ठीक है ना पुलिस टीम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप उन लोगों को रिहा करते हैं तो ठीक है हम फैर सगाली के साथ जो है ना एक्सेप्ट करेंगे सही आगे की जो मुतालबात है वो फिर हम मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये मुतालबा ना करें या वो मुतालबा ना करें लेकिन आप अच्छे खासी समझदार और खासी आप चीज़ों को साफ नज़र आता है कि आप अच्छी तरह से हैं तो हम ऐसे मुतालबात रखें दर्जा बार रखें ताकि हर चीज़ के लिए हम आपके साथ मिलकर उसको हल करें मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें हल करने के लिए भेजा है आपको सिर्फ बहलाने के लिए नहीं सर कल भी हुकूमत ने आपको मसला हल करने के लिए भेजा था आप थे मुर्तजा सोलंगी साहब थे और जमाल शाह साहब थे आप आके सेल में हमसे मिले थे आप तीनों ने कहा था कि आप लोगों का डिमांड क्या है हमने कहा था कि हमारे साथियों को रिहा करें और हमें प्रेस क्लब तक पहुंचा दें लेकिन आप ही लोगों के ऑर्डर्स पे रियासत के ऑर्डर्स पे हमारे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आप सॉरी सर मेरी बात का जवाब सुन लें बच्चे आपके साथ मैंने कोई झूठ बोला आपने कहा हमें कहाँ लेके जाया जाएगा हमने कहा आपकी हमें हिफाजत का खतरा है हम आपको कोयटा लेके जाएंगे जिस पे आपने कहा मैं नहीं जाऊँ आपके सामने कहा मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला अभी भी नहीं बोला फोर्सफुली की बात नहीं फोर्सफुली नहीं आप इस चीज के ऊपर पूरा बलोचिस्तान सराबा एहतजाज है आप लोग औरतों को घसीट कर जो है ना गाड़ियों में डाल रहे थे आप किसने किया गलत किया किसने किया गलत एक मिनट जिसने किया गलत एक मिनट ठहर जाना मुझे पूरी बात आप बात पूरी कर लेते आपके सामने मैंने आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं की हम तीनों ने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की आपने कहा हम कहाँ जाएंगे मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि हम आपको बाहिफाजत गाड़ियों में बिठा के कोयटा लेके जाएंगे आपने कहा आगे से आप लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं जाना ऐसे ही हुआ ये हुआ उसके बाद हमने कोई आपसे जोर जबरदस्ती की हम चले गए हमने आपकी बात सुन ली ऐसे ही हुआ ना प्लीज जो सच्ची बात है उसको माने और हमने उससे उसके बाद दोबारा जाके हुकूमत को कहा कि वो लोग कोयटा जाने के लिए इस तरह तैयार नहीं है उसके बाद अगर वहाँ पे मुकामी सतह पे मैं मानता हूँ कि जबरदस्ती किया गया मैं नहीं कॉम्प्लिकेट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करा मैं सिर्फ सच बात मैं सच बात सामने रखा जब हमारी रिहाई हुई सबसे पहले जो है ना मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट 2 बजे के टाइम में पूरे इस्लामाबाद में घुमाया गया इसलिए ताकि फैमिली अकेले हो जाए और उनको जो है ना आप जो है ना बरगला सके कि वो कोयटा चले जाए लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ मारन मैंने मैंने एक लम्हे के लिए भी किसी को नहीं कहा कि कोई किसी को घुमाए
इन्होंने कहा कि डॉक्टर मारंग आएगी, ये सामने खड़े आई थी साहब, मैंने कहा कि जाएं डॉक्टर मारंग को इनको के पास लेके आए, बिल्कुल ये सब लोग बच्चे सुन रहे थे साहब, सारे लोग सामने, इन्होंने कहा कि हमें हमारे मोबाइल दिलाएं, इनको उसी वक्त मोबाइल दिलाए, पूछे इनसे दिलाए गए कि नहीं गए, इन्होंने कहा डॉक्टर बुलवाए, एक मिनट डॉक्टर बुलवाए, नहीं नहीं देखिए जो सच्ची बात, बात पूरी सुन लेना, मैंने तो आपकी बात पूरी, डॉक्टर बुलाए, नर्सेज बुलाई, उन्हें वहां पे डिप्यूट कराया, एम्बुलेंस बुलवाई, एक बच्ची और एक बच्चा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया, इनमें से किसी से भी पूछे की बात मैं गलत कह रहा हूँ, उस बच्ची और बच्ची की तबीयत किस लिए खराब थी, बिल्कुल आंसू गैस की शेलिंग किसने की, और उसके बाद आपने उसी आंसू गैस की शेलिंग की FIR कैसे हम पर दर्ज की, 260 लोग अभी भी जो है ना हिरासत में हैं, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं यार, हिरासत के लिए तो मसला हल हो, जो मसले हल हो सकते हैं वो हिरासत की फौरी तौर पे ठीक हो सकता है, ये मसला, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि किसी से शुरू करें, किसी जगह शुरू करें, आप मैं आपको यही बोल रही हूँ, जो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप लिस्ट की तमाम एहलकारान को जो है ना रिहा करें, आप अगर चाहती हैं कि ये बेचारे बच्चे और औरतें सर्दी में बैठी रहें, तो मैं तो आपको देखूँ जबरदस्ती तो आपसे नहीं कर सकता, बिल्कुल सर, हम सर्दी में नहीं बैठे हैं, आप शायद समझ नहीं रहे हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपका भी कोई बेटा है, मेरा बेटा है और वो क्वेटा में पैदा हुआ, वो बलूचिस्तान में पैदा हुआ, कमाश ते बच्चा चिक्का, ते बच्चा चिक्का वर्दी जा रही शाश माई भी ना, इसका भी बेटा है, अगर अगर इसका एक ही बेटा है, अगर आप उस आपका कोई खुद का बेटा, अल्लाह ना करे जो आग बलूचिस्तान में लगी, हम नहीं चाहते कि वो कहीं पे भी लगे, जिसने लगाई हम उनके घर में भी नहीं चाहते कि वो लगे, मारंग मेरा वो बेटा क्वेटा में पैदा हुआ था, बलूचिस्तान में, नहीं नहीं मैं आप मैं आपको आप बोल रहे सर्दी में बैठे हैं ना, सर्दी में बैठने से ज्यादा तकलीफ में, इसीलिए हम आए कि इन चीजों का हल ढूंढा जाए, बस मैं यही बोल रही हूँ, आपको जो हमने डिमांड्स दिए हैं वो मैं आपको रिटर्न शीट में दूंगी, और थैंक यू, लेकिन जो शानदार आपने इस्तकबाल किया था उसकी वजह से हमारी माजरत के बाद, तो दोबारा उसके बाद आपने कहा कि उसकी माजरत करें, उसको दोबारा रिपीट आपको नहीं करना चाहिए, उससे आगे चले ना, आगे जा रहे हैं, डिमांड्स हम आपको दे देते हैं, ठीक है, और डिमांड्स में हमारा सबसे पहला आप CTD के सबसे पहले जो है ना, हमारा एक डिमांड ये भी है, CTD ने जितने अहलकारों को जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा है, आप बोल रहे हैं हम CTD को अगर अभी गैर मुसल्ला नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्रवाइयाँ उसने पहले की हैं आप उसको तदरीब करें, अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री से लिखवाएं कि CTD ने जितने लोगों को मारा है वो जो है ना इनोसेंट थे, दे वर नॉट टेररिस्ट, ठीक है, और दूसरी बात यह है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में, ठीक है, दूसरी बात यह है हम आपको वो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, नो इशू, ठीक है ना, और उसके बाद दूसरी बात यह है जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस की फैमिलीज जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो हमारा डिमांड भी है, आपको उनके अलावा की इनको छोड़ दें, ठीक है, हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, देखिए हम आपके साथ, इन फैमिलीज को एक सेटिस्फेक्शन की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं इस मसले में थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले तो आपको इस मसले में पेशरफ्त दिखानी है, पेशरफ्त दिखाएंगे, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप वो पेशरफ्त मांगे जो हम करने की हालत में फौरी तौर पे हो, जिसके लिए कुछ वक्त लगना है उसके लिए कुछ वक्त हम आपसे तय करके मांगेंगे कि इतना वक्त दे दें, उसको आगे चले, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, बस ठीक है सर, आपने हमसे बात की, हम अपने आगे ये बात बढ़ाएंगे, फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह वक्त लूंगी और आप लोगों से मुलाकात करूंगी, और हम इस मुलाकात को यहाँ से हर वक्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप बहरहाल हमारे बच्चों की तरह आप ये ना सोचें कि आप किसी गैर के पास, आपने कहा था ना हुकूमत आ गई, कई सालों से टूटी है उसको जोड़ लेंगे, आप लोग थोड़ा सा भरोसा करें, मैं इस मसले में नहीं आता अगर इसको जोड़ने की सूरत ना हो, जोड़ेंगे अगर ये इंशाल्लाह इस दफा टूट गया तो फिर कभी नहीं टूटेगा, 2021 में डी चौक में इसी मौसम में हम 10 दिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से मुलाकात किया सर, मैं किसी सियासी जमात की बुनियाद बिहाफ पे तो नहीं आया, मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस मरतबा एतमाद नहीं टूटेगा, नहीं आएंगे जब तक लापता अफराद की लवाई का हमें रिजल्ट नहीं आएगा, देखते हैं आप लिख के दें बाबा, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आओ बाबा, ए वड़ मक्का नहीं, ए वड़ मक्का नहीं, वड़ मक्का, ए वड़ मक्का, ए वड़ मक्का, ए वड़ मक्का तो गुरु ने, ए वड़ मक्का, ए वड़ मक्का, सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं बात थोड़ी नॉर्मल, आप लिख के दें, आप कर लेते हैं, जी करते हैं, करते हैं, जी करते हैं, आपको दिखा, जी करते हैं, बिल्कुल हर सूरत में जितनी आप कहेंगी उतनी सॉफ्टनेस दिखाएगी।
जितनी सर उसके लिए आपकी उम्मीद से ज्यादा अमल करने के लिए भी तैयार है और आपकी उम्मीद से ज्यादा सॉफ्टनेस भी दिखाने के लिए हम आपके पास आए थे। इसीलिए किसी और के किए हुए पे भी मैंने आपसे माफी मांगी, कोई चीज जो हम कल करें परसों किसी और की गलती पे भी आपसे माफी मांगी। कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग हमारे बच्चे हैं, आप कहेंगे मैं 10 मरतबा आपसे माफी मांगूंगा इस मसले को। नहीं मसला हल करने से होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर।